आर्यन और सुनील दोनों बिहार के रहने वाले थे और वो दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। वो दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनकी मकान मालकिन उनके कमरे में आकर उनसे बोली, तुम दोनों के ऊपर 2 महीने का किराया बाकी है, कब दोगे तुम दोनों? जी कुछ दिनों बाद हम दोनों आपका किराया दे देंगे। देखो तुम दोनों इस शहर में नए हो, इसलिए तुम यहाँ के बारे में कम जानते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो तुम दोनों के लेट नाइट आने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए ऑफिस से सीधे घर पर आया करो, आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। सुनील और आर्यन घर से बाहर निकल गए। बाहर जाकर आर्यन सुनील से बोला, अरे यार हमारी मकान मालकिन ने आज ऑर्डर दे दिया कि जल्दी घर पर आ जाया करो, और आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आज रात जब लेट आएंगे ना तब मकान मालिक को बता देंगे कि हम अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी पर चले गए थे, इस बात का वो बुरा थोड़ी मानेंगी। शाम को फ्री होकर वो दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए। लौटने में उन दोनों को काफी देर हो गई थी, वो दोनों नशे में थे। रात के 12 बज चुके थे, सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। तभी उन दोनों के करीब एक ऑटो रिक्शा आकर रुक गई। कहाँ जाना है साहब? चंदन नगर जाना है। चंदन नगर तो बहुत बड़ा है साहब, चंदन नगर में कहाँ जाना है आपको? अरे तुम्हें इससे क्या कि हमें कहाँ जाना है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा साहब जी, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ऑटो में बैठ जाइए, इस इलाके में सिर्फ मैं ही हूँ जो रात के वक्त ऑटो चलाता हूँ। वो दोनों ऑटो रिक्शे में बैठ गए और 20 मिनट के बाद ऑटो वाले ने उन दोनों से कहा, चंदन नगर आ गया साहब, बता दीजिए कि ऑटो कहाँ पर रुकाना है। मगर दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले ने देखा दोनों सो चुके थे, वो उन्हें जगाने लगा, साहब चंदन नगर पहुंच गए हैं, उठ जाइए। रिक्शे वाले की आवाज सुनकर उन दोनों ने अपनी आंखें खोल ली, वो दोनों ऑटो से उतर गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऑटो वाले भैया। इतना बोलकर सुनील ने जेब से 100 रुपए निकालकर रिक्शे वाले को दे दिए। रिक्शा वाला दोनों को उतार कर वापस चला गया। ये कहाँ उतर गया रिक्शे वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार रोड पर ही उतार दिया होगा, चल सीधे चल। वो दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी उन दोनों को सामने भीड़ सी लगी नजर आई। ये भीड़ कैसी है भाई, ये तो कोई सिनेमा हॉल है, यह पिक्चर लगी होगी कोई। अरे वाह चल आज नाइट शो देखेंगे। नहीं यार मेरा मूड नहीं है, एक काम करते पिक्चर कल देखेंगे, अभी अपने रूम में चलते हैं। सुनील घड़ी देखते हुए बोला, पता नहीं मकान मालकिन दरवाजा खोलेगी या नहीं। अच्छा तो यही होगा ना कि यही टाइम काट दे, सुबह 4 बजे चले जाएंगे, कह देंगे ओवर टाइम था, मैं टिकट ले लेता हूँ यार। टिकट लेने के लिए सुनील जैसे ही टिकट काउंटर पहुंचा तो वहां कोई नहीं बैठा था। उसने नशे की हालत में आंखों को बीच कर पैसे अंदर बढ़ा दिए। टिकट लेकर वो आर्यन के साथ हॉल के अंदर घुस गया। अंदर एक आदमी ने उन दोनों को सीट पर बैठा दिया। आर्यन ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तू तो कह रहा था कि बहुत भीड़ है, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस हम दोनों ही है। अरे यार तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा है, मुझे तो बस कुछ देर के लिए एसी में सोना है। तभी आर्यन ने आगे वाली सीट से किसी औरत को अपनी ओर आते हुए देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। अगले ही पल वो बिखरे बाल वाली औरत आर्यन के सामने थी। वेलकम टू सिनेमा हाउस, इस मौत के सिनेमा में तुम दोनों का स्वागत है। इतना बोलते ही उस औरत का चेहरा खौफनाक हो गया।
और वो हवा में उड़ने लगी। आर्यन अंदर तक कांप गया और सुनील को बोला, सुनील उठ, देखना यार ये कौन है। अचानक वो औरत गायब हो गई। सुनील चारों ओर देखते हुए बोला, कोई भी तो नहीं है, क्या हुआ तुझे? ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। आर्यन रात के 12 बज रहे, तुम्हें व्यायाम हुआ होगा और कुछ नहीं, अब मुझे सोने दो। तभी आर्यन ने चीख कर कहा, ये मेरे पैर किसने पकड़े हैं? सुनील ने जब नीचे देखा तो उसे सिर्फ काले दो हाथ नजर आए। सुनील का नशा उतर गया और वो घबरा कर दूर खड़ा हो गया। आर्यन भी खड़ा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, शायद हम दोनों ने ज्यादा पी ली है यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है। तू रुक, मैं मुंह धोकर आता हूँ। आर्यन फिर से डरता हुआ कोने की सीट पर बैठ गया। सुनील बहकता सा टॉयलेट की ओर चला गया। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, उसने देखा अंदर आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। ये देखकर सुनील का पूरा नशा उतर गया। वो गिरता पड़ता हाँफता हुआ सा भागा और हॉल में पहुँचा तो उसने देखा आर्यन अपनी सीट पर बैठा था। आर्यन यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी निकलो। तभी सुनील को पीछे से आर्यन की ही आवाज सुनाई दी। किससे बात कर रहा है, मैं तो यहाँ हूँ। सुनील ने जैसे ही सीट की ओर देखा तो अब वहाँ पर एक कंकाल बैठा था। अचानक हॉल का माहौल बदल गया, अब पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कैसे पता होगा, हम दोनों को किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी तेजी से यहाँ से भाग सकते हैं उतनी तेजी से भागो। वो दोनों गेट की ओर भागे। भागते हुए दोनों ने देखा कि कैंटीन एरिया में भी लोग जले पड़े थे। तभी एक जली हुई औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज मुझे बचा लीजिए, देखिए देखिए मेरा पूरा जिस्म आग से बुरी तरह जल गया है और मेरे पति भी बुरी तरह जल गए हैं, मुझे बचा लीजिए। इतना कहकर अचानक वो औरत हंसती हुई बोली। मौत के सिनेमा में तुम्हारा स्वागत है। इस पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा हो, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इस सिनेमा हॉल में यहाँ एक बार जो आता है वो वापस नहीं जा पाता, इसलिए इसे मौत का सिनेमा हॉल कहते हैं। नीचे कैंटीन एरिया की लाशें सब हिलती हुई सी खड़ी हो गईं और उन दोनों की ओर देखने लगी। कटे जले चेहरे और रेंगते हुए कुछ मुर्दा लोग सब अब धीरे धीरे सुनील और आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। तभी सुनील और आर्यन दोनों टॉयलेट में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यार हम दोनों कहाँ आ गए, मुझे लगता है हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, ये खतरनाक दिखने वाले लोग हमें मार देंगे। चुप रहो आर्यन, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारा फोन चालू है क्या? जरा लोकेशन पता करो, मेरा फोन तो डेड है। सुनील ने देखा तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था। बाहर से भयंकर कर्कश आवाजें आ रही थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, अब तो ये भूत पिशाच हमें पक्का मारेंगे। ये ऑटो वाला हमें किस जगह छोड़ गया? चंदन नगर बोलकर कहीं शमशान में तो नहीं छोड़ गया? ऐसे खतरनाक और खौफनाक लोग मैंने नहीं देखे आज तक। अभी तो केवल दो ही बच गए हैं, लेकिन हम दोनों अब कर भी क्या सकते हैं? अचानक से आवाजें आना कम हो गईं। वो दोनों लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। 4 बज गए हैं आर्यन, हमें अब क्या करना चाहिए? बाहर से आवाज आनी तो बंद हो गई है, सुबह होने वाली है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। मगर बाहर उन शैतानों की पूरी फौज खड़ी है, मैं देखता हूँ। बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था,
अब वो दोनों अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर भागते हुए उस हॉल से बाहर आ गए और रोड पर और तेजी से भागते हुए अपने रूम की ओर आ गए। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर मकान मालकिन चौंकती हुई बोली, तुम दोनों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? और तुम दोनों रात भर कहाँ थे? रात के 12 बजे तक मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। आर्यन कांपता हुआ मकान मालकिन को सारी घटना बताते हुए बोला, हम दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अरे तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों उस मौत के सिनेमा घर से जिंदा बचकर वापस आ गए। मौत का सिनेमा? मैं कुछ समझा नहीं। 15 साल पहले रोहिणी नगर के एक हॉल में नाइट शो के वक्त आग लग गई थी। जिस आदमी के पास मेन डोर की चाबी थी वो सबसे पहले ही जलकर मर गया था। 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी बच नहीं पाया। लोग बहुत तड़प तड़प कर मरे थे। तब से लोगों को वहाँ से लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो सिनेमा घर भूतिया हॉल के नाम से जाना जाता है। अब सुनील को सब कुछ समझ आ चुका था। वो बस उस रात हुई घटना के पुनरावृत्ति के बीच आ गए थे और रिक्शे वाला उनके नशे का फायदा उठाकर उन्हें चंदन नगर की जगह रोहिणी नगर छोड़ गया था।